हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट ट्यूबर। आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस पापड़ की सब्ज़ी। पापड़ नॉर्मली हर घर में मिल जाता है और इसकी सब्ज़ी बनाना इतना इजी है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पापड़ की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 5 पापड़, जिनको अच्छे से सेक के उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 7 से 8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ध्यान रहे, पापड़ में खुद से मिर्ची होती है तो उसके हिसाब से लें। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, ये भी पापड़ में होता है तो थोड़ा ध्यान से। लगभग 1/2 कटोरी दही और थोड़ा सा धनिया कटा हुआ। 5 पापड़ की सब्जी बनाने के लिए हमें 1.5 से 2 ग्लास पानी लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जब गर्म हो जाए तब उसमें थोड़ा सा हींग डालें। हींग यहाँ पे ज़रूरी होती है, क्योंकि जिन लोगों को पापड़ खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है उनके लिए हींग बहुत सही रहती है। अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से चटकने दें। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डालें और इन्हें थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे पकने दें। जब ये अच्छे से पक जाएं तो गैस को कम कर दें और सारे सूखे मसाले डालें। ध्यान रहे, सारे सूखे मसाले कम टेम्परेचर पे ही डालें। ज़्यादा पे डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे और उनमें कड़वा टेस्ट आने लग जाएगा। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें अब हम दही डालेंगे। ध्यान रहे, दही हमेशा कम टेम्परेचर पर या फिर गैस बंद करके ही डालें, कि तेज आंच पे दही डालने से दही फट जाता है। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये फट जाएगा। तो सभी मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से कम आँच पर पकने दें। से 4 मिनट बाद मसाला ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा, मतलब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट बाद जब पानी अच्छे से पक जाए, मतलब इसके ऊपर ये जो झाग आने लग जाए, ऑयल इसके ऊपर तैरने लग जाए, तब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक पहले नहीं डालें वरना दही फटने का डर रहता है। बस यहीं पे हम पापड़ डालेंगे। पापड़ का साइज़ लगभग इतना रखें, ये खाने में सही रहते हैं। पापड़ को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है तो उसे 2 से 3 मिनट ही पकाएं। तो बस अब ये सब्ज़ी रेडी है। इसमें धनिया पत्ता डालें और उसको अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि धनिया का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर घुल जाए। इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व करें। इसे धनिया पत्ता से गार्निश करें। अगर आपको बटर पसंद है तो इसमें थोड़ा सा बटर डालें, बहुत अच्छा लगता है। इसे आप रोटी या राइस किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। पापड़ की सब्ज़ी बनाते समय बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।